आप इनसे पूछ। ये लड़के जो बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं ना, बच्चे आते हैं हमारे सेंटर्स में तो बच्चों को लगता है कि हाँ थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स डिफरेंट कलर के फूल होते हैं। हाँ, कोई भी वेस्ट मटेरियल होता है ना, जैसे जैसे ये हमारे जो भी हम मटेरियल जो हम यूज कर रहे हैं आंगनबाड़ी सेंटर में, वो हम कैसे लेते हैं, मैं थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहती हूँ कि सर, जैसे हमारे हर आंगनबाड़ी सेंटर में पिछले 4 साल से फोर्टिफाइड फूड ही दिया जा रहा है, जैसे ऑयल हो गया, सॉल्ट हो गया और राइस, बेसिकली 3 चीज़ें हम दे रहे हैं। हमारा एक रेसिपी होता है जो डीसी ऑफिस से अप्रूव होता है, जिसमें डीसी मैम हमारी चेयरपर्सन होती हैं, उस रेसिपी के अकॉर्डिंगली ही हम संभाल लेते हैं। हम जैसे इस बार के रेसिपी में हमारा सॉल्ट, ऑयल हो गया, राइस हो गया, दालें होंगी, पल्सेस होते हैं। इसके बारे में आपको सबको पता चल गया होगा, मैंने ज़्यादा ना बताते हुए आपको सिर्फ 3-4 चीज़ें बेसिक बतानी है कि फूड फोर्टिफिकेशन किन किन विटामिन और मिनरल्स की होती है। विटामिन ए, डी, ई, के, आयरन और आयोडीन। विटामिन ए, डी, ई, के, आयरन और आयोडीन, और किन किन चीज़ों में होती है, ये 5 स्टेपल चीज़ें जो आपके इधर फोटो लगी है। राइस, आटा और किसमें, राइस, आटा, ऑयल, मिल्क, सॉल्ट, ये 5 चीज़ें क्यों चुनी गई? एक, ये सब लोग ले सकते हैं और सबने खानी होती है, दिन में रोटी भी खानी होती है, चावल भी खाने होते हैं, तेल का हमने जो है वो तड़का भी लगाना होता है। सर सामने, यस यस यस। आज का जो प्रोग्राम था वो फूड फोर्टिफिकेशन पे था, जिसमें हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स, सुपरवाइजर्स और हमारे जो बेनिफिशरीज थे उन्होंने कंट्रीब्यूट करा है। हमारा जो मेन मकसद रहता है, जैसे हम अपने आंगनवाड़ी सेंटर में भी जितना भी जो भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं वो फोर्टिफाइड रहता है, तो हमारा मेन फोकस यही है कि जो हमारे बेनिफिशरीज़ भी हैं उनके घरों में भी पता चले कि फोर्टिफाइड फूड ही यूज़ करना है। जैसे जो भी हम आटा लेते हैं, चावल लेते हैं, ऑयल यूज़ करते हैं, सॉल्ट यूज़ करते हैं, मार्केट में ईजिली अवेलेबल है, बस लोगों को थोड़ा अवेयरनेस की ज़रूरत है कि फोर्टिफाइड फूड ही यूज़ करें। और हमारे जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं उनका जो मेन रोल रहता है कि वो घरों घरों में जाके भी बताती हैं कि आप फोर्टिफाइड फूड का ही यूज़ करें। और आज का प्रोग्राम का मेन मकसद और मेन उद्देश्य यही था कि फोर्टिफाइड फोर्टिफिकेशन फूड फोर्टिफिकेशन होनी चाहिए।